अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में दिवाली जैसा माहौल है। घर घर दीपक जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है और लोग खुशी मना रहे हैं। इसी बीच माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर से भी कुछ खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। 22 जनवरी की शाम नेपाल के जनकपुर मंदिर में करीब 1.25 लाख दीपक जलाए गए और मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया। मंदिर के ड्रोन फुटेज में फूलों से जय श्री राम लिखा हुआ देखा जा सकता है। इसके अलावा फूलों से धनुष और भगवान राम की तस्वीर भी बनाई गई। यहाँ के लोग भगवान राम को अपना दामाद मानते हैं और उनका कहना है कि वो जल्द से जल्द अयोध्या पहुंचकर भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं। लोगों के मनोभाव को जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं जनकपुर, जहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रोहित सिंह। दियों का इंतजार पूरा हुआ, प्रभु राम आएंगे नहीं बल्कि प्रभु राम अब आ चुके हैं और अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। एक तरफ जहां अयोध्या और पूरे देश में जश्न का माहौल है, तो वैसा ही माहौल प्रभु राम के ससुराल में भी देखा जा रहा है। इस वक्त हम नेपाल के जनकपुर धाम में जानकी मंदिर पर मौजूद हैं, जिसे जनक महल भी कहा जाता है, और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जय सियाराम का उद्घोष हो रहा है, क्योंकि मिथिला है, मिथिला में दरअसल राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है, इसीलिए जय सियाराम का उद्घोष हो रहा है। कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं, राम भक्तों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋषिकेश दास बिश्नोई, मैं यहाँ का छोटा पुजारी हूँ। ऋषिकेश जी, ये बताइए, आज पहली सुबह है, रामलला विराजमान हो गए हैं अपने घर में, आपके तो दामाद जी लगते हैं जी, क्या भाव क्या है इस वक्त? ये एक भाव हम लोगों के अंदर संपूर्ण जनकपुर धाम वासी के लिए और मिथिला वासी के लिए ये है कि हमारी अग्रजा जे जी श्री किशोरी जी की घर बना है, दुल्हा सरकार श्री रामचंद्र भगवान का नव घर बन के घर में उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम हुआ है, और इसके चलते हम लोग जनकपुर धाम वासी, संपूर्ण मिथिला वासी इतने हर्षित हैं और ये आनंदित समय जो फिर ये मनुष्य जीवन में दोबारा आ पाए ये कदाचित हो, हर्षित इतने हैं कि मेरा जीजा जी का घर बना है, मेरी जीजी की घर बनी है, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। कुछ महिलाएं उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नवनीता अस्थाना, मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई हैं। प्रभु राम का घर बन गया है, विराजमान हो गए हैं, अयोध्या कब जाने का इरादा है? आप तो आज नहीं, बस फरवरी में प्रोग्राम बन चुका है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। भाव क्या है मन में इस वक्त? भाव अब ये तो हम लोग के लिए बहुत ही अनुपम क्षण है, जो कि हम लोग को दर्शन होगा। अभी तो मैंने जानकी जी का अभी दर्शन किया, बहुत ही मनमोहक झांकी मैंने देखा यहाँ पर, बहुत ही सुनहरा मौका हम लोग को मिला है और बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग यहाँ आए और इनका दर्शन पाए हैं अभी आज। एक आखिरी सवाल, दामाद जी का घर देखने कब जाइएगा आप लोग? अब जाएंगे, अब हाँ बैसाख में है जाने, हाँ एकदम जाएंगे, अपना घर है वहाँ जेबे करे, पूरा इच्छा से। दामाद जी के घर भी यहाँ जाएंगे, जिसने प्रभु राम जो कि दामाद है यहाँ के, और जनकपुर में भी जिस तरीके का माहौल है वो साफ दिखाता है कि जैसे अयोध्या और पूरे देश में जश्न का माहौल है, उससे कम खुशी का माहौल जनकपुर धाम में नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि प्रभु राम जो है यहाँ के दामाद हैं और दामाद का घर बसा है, तो यहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित और खुशी महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और गणेश शंकर के साथ रोहित सिंह, जनकपुर धाम नेपाल आज तक। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।